हेलो दोस्तों, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर के माध्यम से करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। तो आज के इस लेक्चर में आप मैं बात करूंगा साउथ चाइना सी। आगे साउथ चाइना सी इंडिया के लिए इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें देखेंगे वाई साउथ चाइना सी इज इन ऑलवेज इन न्यूज, फिर क्यों हमेशा वो न्यूज में रहता है, वाई चाइना क्लेम ऑन इट, आखिर चाइना उस पर क्लेम क्यों करता है और किस वजह से करता है और किस तरह से करता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी की इतनी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड कम्युनिटी में आखिर क्यों है, ऐसा क्या है वहाँ पर जो साउथ चाइना सी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी एक्चुअली पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है। इट इज साउथ ऑफ चाइना, ईस्ट ऑफ वियतनाम, वेस्ट ऑफ फिलीपींस एंड नॉर्थ ऑफ बोर्नियो। यह इंडियन ओशन के साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू कनेक्ट होता है और ईस्ट ऑफ चाइना के साथ फोरमोसा स्ट्रेट के साथ कनेक्ट होता है। और हाँ, फॉर्मोसा स्टेट को ही ताइवान स्टेट हम बोलते हैं। देखो इस मैप में जो कलर वाला एरिया है ना, इसी एरिया को ही साउथ चाइना सी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया साउथ चाइना सी ही बोलते हैं और उस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को ही चाइना क्लेम करता है और किसी भी अदर कंट्री को यहाँ अपना क्लेम नहीं करने देता। इशू देखते हैं क्या है। वेट, चाइना क्लेम मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेड सी विच इज रीचिंग ऑलमोस्ट द फिलीपींस शेयर। चाइना जो अपना क्लेम इतने ज्यादा दूर तक कर लेता था वो फिलीपींस के शेयर बाउंड्री तक पहुंच जाता एंड और इसके अलावा उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड कर दिया और इन आर्टिफिशियल आइलैंड पर हैवी मिलिटरलाइजेशन डेवलप कर लिए। विच वरीज द नेबरिंग नेशन। इसके ऑब्वियसली इसके अगर कोई भी कंट्री मिलिट्रेशन करती है तो उसकी नेबरिंग कंट्री वरी होते हैं और ऑल्सो इट रिजेक्ट द यूएन बैक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रूलिंग एज वेल। और चाइना वहां पर किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। इसी में आप पता चल रहा होगा ये बाउंड्री दे रखी है फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, ये इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। लेकिन चाइना इन सबको इग्नोर करके चाइना का पूरा ऑल अदर कंट्रीज की इंटरनेशनल बाउंड्री को सरपास करके इस पूरे एरिया को क्लेम करता है और यहाँ ये छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड इसने डेवलप किए हैं और यहाँ इन छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर हैवी मिलिटरलाइजेशन करके बाकी अदर कंट्रियों को इन छोटे छोटे आइलैंड को मिलिटराइज करके बाकी अदर कंट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि यह एरिया मेरा है। चाइना जो हमेशा नेगलिजेंस करता रहता है या इग्नोर करता रहता है और अपनी सुपेरियरिटी दिखा रहता है उस रीजन में और ऑलमोस्ट हमेशा ही इंटरनेशनल लॉ को या यूएन कन्वेंशन जो लॉ है सी के उनको इग्नोर करता है, ये उसका बिहेवियर बन चुका है या ऐसा हम बोल सकते हैं ये उसका बिहेवियर है जो कि अट्रैक्ट करता है यूएस एयरक्राफ्ट को अगर बिकॉज यूएस एक्ट लाइक ए वर्ल्ड प्लेस। सो चाइना के इस बिहेवियर की वजह से यूएस ने अपने काफी सारे एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर रखे हैं। सो दिस इज द एक्शन ऑफ द रिएक्शन। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। चाइना जो जिन लॉ को इग्नोर करता है, नेगलेंस करता है, ये कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ सी है। इसमें देखते हैं आखिर किस बाउंड्री या कितनी बाउंड्री चाइना इसमें कर
इग्नोर करता है या अपनी अपना क्लेम उनमें बताता है। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, जहां से लैंड से जिस लैंड से ओशन स्टार्ट होता है उस लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं। उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल के वाटर बॉडी को हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं या टेरिटोरियल सिस्टम बोलते हैं। इस टेरिटोरियल सिस्टम पर कोस्टल स्टेट्स का पूरा ज्यूरिडिक्शन होता है, सोवरेनिटी होती है उस कोस्टल स्टेट्स की। वहाँ वो कुछ भी कर सकता है। और आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 24 नॉटिकल माइल, इट इज कॉल्ड कंटिजियस जोन। इस कंटिजियस जोन तक सेम राइट्स होते हैं कोस्टल स्टेट के, बट यहाँ एयर स्पेस उसको नहीं मिलता। इस एयर स्पेस पर उसका राइट नहीं होता। आफ्टर 24 नॉटिकल माइल, 176 नॉटिकल माइल, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक जो कि 200 नॉटिकल माइल तक है, यहाँ तक कोई कोस्टल स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है या ड्रिलिंग कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर सकता है। लेकिन इसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। सो जितना भी उसका राइट होता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, वो यहाँ तक की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं। और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.15 लैंड माइल्स और 1.85 किलोमीटर। वाई सो इम्पोर्टेंट साउथ चाइना सी आखिर इतना इम्पोर्टेंट? बिकॉज दिस सी होल्ड ट्रिमेंडस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर इट्स लोकेशन, बिकॉज इट्स कनेक्टिंग लिंक, इट एक्ट ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में जो कनेक्टेड लिंक है वो ये साउथ चाइना सी है। वर्ल्ड का 1/3 ट्रेड इस साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। चाइना का ट्रेड भी यहीं से हो, चाइना का ऑलमोस्ट इंडिया का ट्रेड भी यहीं से हो। ऑलमोस्ट इंडिया का मोर देन हाफ ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, जो कि साउथ चाइना सी से पहले इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता। अगर कोई भी कंट्री या जस्ट सपोज चाइना उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपना कंट्रोल करता है, तो इट हेम्पर द इंडिया ट्रेड या इंडिया एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासिस थ्रू इट एंड कैरिंग ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड, विच मेक इट ए सिग्निफिकेंट जो पॉलिटिकल वाटर बॉडी। सो इस ग्लोबल ट्रेड की वजह से साउथ चाइना सी को काफी सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल वाटर बॉडी बनाते हैं। एंड एनोदर सिग्निफिकेंट इज डिपार्टमेंट बाई एंड सिग्निफिकेंट बाई डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज फिलीपींस। वो बोलते हैं दिस सी हैज 1/3 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मराइन बायोडाइवर्सिटी। इस ये सी वर्ल्ड की मराइन बायोडाइवर्सिटी का 1/3 हिस्सा कंटेन करता है। और ये सी साउथ ईस्ट एशियन नेशन को एज ए फूड भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एंड साउथ चाइना सी इज बिलीव टू हैव ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व। और साउथ चाइना सी में ह्यूज ऑयल और गैस रिजर्व होने के भी चांस हैं। तो आगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो स्टेब्लिश हुई थी 1964 में यूनाइटेड जनरल असेंबली में, बाई यूनाइटेड जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। यह डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज पर। अब उन साउथ चाइना सी में चाइना ने अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वह उस सी पर 9 डैश लाइन क्रिएट किया है। चाइना बोलता है ये 9 डैश लाइन उसके
मेनलैंड चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ही उनको बोलता और इनको बोलता है और उनको कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। ये चाइना के द्वारा बोला जाता द ये ग्रेट वॉल ऑफ सैंड स्ट्रेच 100 किलोमीटर साउथ एंड ईस्ट ऑफ चाइना, जो कि चाइना के साउथ में और ईस्ट में है और हेनान आइलैंड के सदर्न में है, जो कि कवर करता है स्ट्रेटेजिक पार्शल आइलैंड चेन्स को। इस जो पार्शल आइलैंड की जो चेन है उससे ज्यादा या उससे और ज्यादा एरिया को कवर करता है। चाइना क्लेम इट और चाइना ने बोलता है कि ये जो हमारी हिस्ट्री है 2000 साल पुरानी हिस्ट्री ऑफ हान डायनेस्टी, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। इस पिक्चर में आपको मालूम पड़ेगा 9 डैश लाइन क्या, ये 9 डॉट दिखाई देने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को ही हम 9 डॉट बोलते हैं। ये पार्सल आइलैंड, ये पार्सल जो स्पार्सी जो स्ट्रेटेजिक पार्ट, इनको भी पूरा का पूरा कवर करता है स्पार्टली आइलैंड एंड अदर आइलैंड। इस पूरे को सी को इन 9 डॉट लाइन के द्वारा चाइना क्लेम करता है। अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का ऑलमोस्ट 55% ट्रेड पासेस थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड नियरली 200 बिलियन ट्रेड पासेस थ्रू इट। इंडिया का आधे से ज्यादा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, जो कि आगे जाके साउथ चाइना सी में एंटर होता है। देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज सॉरी वेट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इन दोनों लैंड मास के बीच में छोटा सा वाटर बॉडीज को ही स्ट्रेट बोलते हैं। इस छोटे स्टेट को स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं। यहाँ से इंडिया का ट्रेड होता है, आधे से ज्यादा ट्रेड इस स्टेट से होके जाता है चाइना का भी होता है। अगर चाइना इस स्टेट पर अपना कंट्रोल जमाता है तो वो इंडिया के ट्रेड को हैम्पर कर सकता है। सो इफ चाइना कंट्रोल द रीजन इट विल अपसेट द ग्लोबल प्रैक्टिस एंड हैम्पर इंडिया फॉरेन ट्रेड। एज ए रीजनल पावर की तरह देखती हैं या उनको एक्सपेक्ट करती हैं, बिकॉज चाइना के बाद हर को अगर उस रीजन में कोई भी पावर है वो है इंडिया, जो चाइना को टैकल कर सकती है। चाइना के बाद ही इंडिया की मिलिट्री ही चौथे नंबर पर आती है। ऑल्सो इंडिया एंड यूएसए टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रिजोल्विंग डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज। यहाँ पर इंडिया यूएस के साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं जितने भी डिस्प्यूट हैं वो यूएन क्लॉज के हिसाब से ही सॉल्व हो, बट इंडिया इन मेनली साइलेंस अबाउट साउथ चाइना सी। देखिए काफी समय तक इंडिया शांति रहता है और अर्लियर, लेकिन इससे पहले इंडिया ज्वाइंस फिलीपींस, यूएस, जापान एंड साउथ इन साउथ चाइना सी। लेकिन काफी कभी कभार इंडिया इन कंट्रियों को ज्वाइन कर लेता है टू इन्फॉर्म या टू काउंटर द चाइना। तो आखिर इंडिया कर क्या सकता? आफ्टर द डोकलम एंड द गलवान वैली इंसिडेंट, दिस इज द पीक टाइम टू रेस वॉइस टू मेंटेन नेविगेशन साउथ चाइना सी। जो गलवान और डोकलाम इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया का प्री टाइम चल रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम साउथ चाइना सी का टॉपिक उठा सकते हैं। ऑल्सो इंडिया रेज द पॉइंट अबाउट हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ, जो हांगकॉन्ग में न्यू सिक्योरिटी लॉ जो आया है, उसके अलावा हम ताइवान का टॉपिक रेज कर सकते हैं और चाइना पॉलिसी को काउंटर कर सकते हैं। बिकॉज वन कंट्री कंट्री मोनोपोली द ट्रेड रूट्स दैट विल हैम्पर लोकल और ग्लोबल ट्रेड बिजनेस। अगर किसी भी कंट्री का किसी ट्रेड रूट पर मोनोपोली होती है तो इट विल हैम्पर द लोकल एज वेल एज ग्लोबल ट्रेड बिजनेस।
आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।